हेलो फ्रेंड्स, संगीताज किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे भाखर वड़ी। भाखर वड़ी बनाने के लिए हमें चाहिए 2 हरी मिर्च, खसखस, तिल, सौंफ, मूंगफली के दाने, ड्राई कोकोनट, पिसी हुई चीनी, ऑयल, मैदा, गेहूं का आटा, व्हीट फ्लोर और बेसन, गरम मसाला, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक, हींग और नींबू। अभी हम गैस चालू करेंगे और एक चम्मच हमने खसखस लिए वो डालेंगे, एक चम्मच तिल डालेंगे और एक चम्मच सौंफ डालेंगे और इसे थोड़ा सेक लेंगे। थोड़ा खुशबू आने तक इसे सेक लेंगे। अभी हमने ये सेक लिया है, अभी हम इसे ठंडा होने देंगे, तब तक हम आटा गूंद लेंगे। अभी हम आटा गूंदने के लिए आधी कटोरी मैदा लेंगे, आधी कटोरी बेसन लेंगे और आधी कटोरी गेहूं का आटा लेंगे। और इसमें नमक डालेंगे। और 2 चम्मच ऑयल डालेंगे। और इसे मिक्स कर लेंगे। और अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसे गूंद लेंगे। आटा इसका परोठे जैसा ही रखना है। आटा हमारा गूंद के तैयार हो गया है। अभी हम इसे 10-15 मिनट इसे रख देंगे ढक के, तब तक हम मसाला बना लेंगे। अभी हमने जो सौंफ और तिल, खसखस ये लिया है वो डालेंगे मिक्सर में, और हमने जो ड्राई कोकोनट लिया है वो 3 चम्मच है वो डालेंगे, और हमने मूंगफली के दाने 1 चम्मच लिए वो हमने पहले ही सेक के रखी है वो डालेंगे। अभी हम इसे क्रश कर लेंगे। अभी हम मसाला करेंगे। इसमें हमने जो क्रश किया है वो मसाला लेंगे और आधी चम्मच हल्दी पाउडर, 2 छोटी चम्मच गरम मसाला, 2 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 3 से 4 छोटी चम्मच चीनी, क्योंकि हमें ये खट्टा मीठा ही अच्छा लगता है, और थोड़ी सी हल्दी, हींग और नमक। और हमने जो 2 हरी मिर्च ली थी उसे हमने क्रश करके लिया है। अभी हम सारे मसाले मिक्स कर लेंगे।
और अब इसमें हम एक नींबू पूरा डाल देंगे। अभी हमारा मसाला रेडी हो गया है, अभी हम इसे थोड़ा सा टेस्ट कर लेंगे। अगर कुछ कम ज़्यादा हो तो आप इसमें डाल सकते हैं बाद में। अभी हम भाखरवड़ी बनाएंगे। अभी हमने जो आटा गूंद के रखा था उसमें से एक लोया लेंगे, ऐसे थोड़ा आटा लेके और इसे बेल लेंगे। हमने रोटी बेल ली है, बहुत मोटी भी नहीं है और ज़्यादा पतली भी नहीं है, ऐसे हमें बेलना है। अभी हमने चीनी में पानी डाल के रखा था वो हमने घोल बना लिया है, उसे इस पे लगाएंगे। और अभी हम इसका स्टफिंग लेंगे और ऐसा पूरी रोटी पे फैला देंगे और साइड में नहीं लगाएंगे वरना वो चिपकेगी नहीं। पूरी रोटी पे इक्वल ही लगाएंगे, कहीं पे ज़्यादा कहीं पे कम वैसा नहीं होना चाहिए। पूरा इसे हाथ से दबा दबा के चाहे तो इसे चम्मच से ऐसे कर सकते हैं। अभी हम इसका रोल बनाएंगे, इसे पूरा दबा दबा के टाइट रोल बनाना है।
और इसके किनारे पे वापस हम जो पानी है वो लगाएंगे चीनी वाला और इसे पूरा चिपका देंगे। अभी हम इसे कट कर लेंगे, इसकी साइड निकाल लेंगे और भाखड़वई का शेप दे देंगे। ऐसे इसे ऐसे दबा लें ताकि ऑयल में इसका मसाला निकले ना। ऐसे ही सारी बना लेंगे। हमने ऑयल गरम करने रख दिया है, अभी हम इसमें भाखड़वड़ी डालेंगे। ऑयल ज़्यादा गरम नहीं करना। और धीमी आंच पे इसे डीप फ्राई करेंगे। अभी हमारी भाखड़वड़ी रेडी हो गई है, गोल्डन ब्राउन। अभी हम इसे ऑयल में से निकाल लेंगे। अभी हम सारी ऐसे बना लेंगे। रेडी है भाखड़वड़ी। इसे कंटेनर में भर के 15-20 दिनों तक रख सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।